हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब वीडियोस के जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं उनको कैसे आप लोग हाइड कर सकते हो, और ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स हम लोग हाइड करते हैं ये सच में करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो कब, किस सिचुएशन पर, अगर करना नहीं चाहिए तो क्यों करना नहीं चाहिए, सब बताऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो। अगर आप लोग एक नया यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। गाइज, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स और डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन पर। सो यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेना है। सो चैनल को लॉगिन करने के बाद आपको नीचे कंटेंट की तरफ जाना है। सो ऐसा आने के बाद आपको जो वीडियो का जो लाइक और डिसलाइक है आप लोग हाइड करना चाहते हो उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से एक वीडियो को उठा लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है, बहुत सारे मतलब तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको जो पेंसिल का ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। सो पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। सो आपको जाना है एकदम नीचे जो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन है उसमें जाना है, मोर ऑप्शन इसमें जाना है। ओके, सो इसमें आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एकदम। सो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो। अगर ये टिक किया हुआ है तो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स शो होगा उस वीडियो पर। अगर इसे आप लोग अनटिक करके यहाँ पर सेव कर देते हो तो आपका जो लाइक्स और डिसलाइक्स मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स के जो नंबर है वो हाइड हो चुके हैं। सो मैं यहाँ पर अनटिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर जाके सेव कर देता हूँ। सो मेरे जो इस वाले वीडियो का लाइक्स और डिसलाइक्स है वो अभी हाइड हो चुका है। ओके, मतलब अभी कोई जो लाइक कितना लाइक्स और डिसलाइक्स है इस वीडियो पर कोई नहीं देख सकता। अगर मैं फिर से पेंसिल का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मोर ऑप्शंस पे जाके फिर से उसे टिक कर देता हूँ तो अभी जो है उस वीडियो का लाइक्स और डिसलाइक्स शो होने जाएगा, कितने लोगों ने मतलब लाइक किए डिसलाइक किए वो शो होने लग जाएंगे। सो ऐसे ही आप लोग अपने मोबाइल के जरिए अपनी यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स और डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर का जो लाइक्स और मतलब कंप्यूटर से कैसे हम लोग अपने यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स और डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हैं। गाइस, अपने कंप्यूटर से अपने यूट्यूब वीडियोस के लाइक्स और डिसलाइक्स को हाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर studio.youtube.com। सो यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस सेम होगा जैसा आपने मोबाइल में किया था, थोड़ा यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा चेंज है। ओके, आपको आना पड़ेगा कंटेंट पे। कंटेंट पे आने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वीडियो चूज़ कर लेना है जिस वीडियो का आप लोग लाइक और डिसलाइक यानी कि रेटिंग हाइड करना चाहते हो। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिटेल्स में जाना है आपको। सो डिटेल्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। सो स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शो मोर, आपको शो मोर पे क्लिक करना है। सो शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे और ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। ओके, तो स्क्रॉल कर लेना नीचे की तरफ थोड़ा। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है यहाँ पर, सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक्स दिस वीडियो। सो इसको आपको अनचेक कर लेना है। अगर आप लोग अनचेक करके यहाँ पर सेव कर देते हो तो आपके वीडियो के जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो हाइड हो जाते हैं। ओके, मैं एक बार आपको प्रोसेस करके भी दिखा देता हूँ। ये पर मेरा जो मतलब लाइक और डिसलाइक्स हाइड है वो सेव हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो चेंजेस सेव्ड। ओके, अभी मैं अगर इसे फिर से चेक करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ फिर से ये विजिबल हो जाएगा, मतलब जो क्वांटिटी है कितने लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक किया है तो वो फिर से शो होने लग जाएगा। अगर मैं फिर से इसे अनचेक करके सेव करूँगा ये फिर से मतलब डिसेबल हो जाएगा, शो नहीं करेगा, हाइड हो जाएगा। सो ऐसे ही आप लोग अपने कंप्यूटर से भी अपने YouTube वीडियोस को लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड कर सकते हो। ओके, सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस, मैं आपके लिए ऐसे ही YouTube से YouTube चैनल से रिलेटेड वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आई है तो। ओके, और अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ एक डिसलाइक भी करके जाना है। ओके गाइस, ताकि ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स होता है हमारे वीडियो के ऊपर इनको हमें हाइड करना चाहिए या नहीं। देखो गाइस, कुछ ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पर हम अपने वीडियोज़ के ऊपर जो लाइक्स और डिसलाइक्स के नंबर होते हैं उनको हाइड करना पड़ता है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके एक वीडियो पर व्यूज़ आया 100 के। ओके, सो एक वीडियो पर व्यूज़ आया 100 के एंड उस वीडियो पर लाइक्स आया है 2 के। ओके, एंड लाइक्स के कंपेयर में जो डिसलाइक्स की नंबर है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया उस वीडियो पे लाइक अगर है 2 के तो उस वीडियो में डिसलाइक्स है 10 के। सो इस टाइम पे
आपको अपने वीडियो का जो लाइक्स और डिसलाइक्स का मतलब ऑप्शन होता है उनको हाइड करना पड़ सकता है, ऑप्शन नहीं मतलब जो नंबर्स होते हैं उनको हाइड करना पड़ सकता है। सो गाइस सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें हाइड नहीं करना चाहिए तो क्यों। सो गाइस देखो, लाइक्स और डिसलाइक्स एक तरीके से रेटिंग होता है अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, जिनको देखकर ही व्यूअर्स आपके ऊपर भरोसा करेगा, बिलीव करेगा। सो इनको आपको हाइड नहीं करना चाहिए ऐसे वैसे सिचुएशन करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।